दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाना है। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बतानी है और इसकी ओपनिंग जो है वो फ्रंट साइड में। मैंने ये ब्लाउज 38 साइज का कट कर लिया है और इसकी जो लेंथ है वो आपको बता देती हूँ। देखिए 14 इंच के आसपास है। अभी मैं इसमें पैच डालने वाली हूँ, तो पैच डालने के लिए मैंने ये ब्लू कलर का पैच डालूंगी, येलो कलर की पाइपिंग डालूंगी। आप अपनी साड़ी की मैचिंग के अनुसार ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। तो जो पैच आएगा वो हमारा ऊपर से ही आएगा, तो हम ऊपर से ही 4.25 इंच ले रहे हैं और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 2.25 इंच के आसपास ले रही हूँ, क्योंकि इसमें पैच आएगा जब हम इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2.25 इंच लिया है, और जब हम इसको सिंगल करेंगे तो ये 3.5 इंच का ब्रॉड हो जाएगा और सिलाई करने से और ज़्यादा फैलता है। अभी हम यहाँ पर नेक की ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से नेक का ले लें, यहाँ से हम और थोड़ा सा 1/2 इंच 1/2 इंच के आसपास इधर जाएंगे आगे की तरफ शोल्डर की साइड में, और यहाँ से फिर हम इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड आएंगे और फिर हम यहाँ पे ब्रॉड करेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें हम पैच डालने वाले हैं। और यहाँ से हम इस तरह से कर देंगे जो हमने ये ड्रॉ किया था 2.25 इंच, तो यहाँ पे आके हमने इसको सेट कर दिया है। अभी सेम ड्रॉ पे इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का पीस बना है, ये हमारे भी ये दोनों पीस अलग अलग हो जाएंगे। तो अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आएगा ये, तो जो ये पैच आएगा हमारा ब्लू कलर का वो यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से। तो अभी आपको बताती हूँ इसका। अगर आप इसको लाइनिंग वाला बना रहे हैं तो सेम ड्राफ्ट रख के आप लाइनिंग कट कर लें। मैं विदाउट लाइनिंग बना रही हूँ। जो ये ड्राफ्ट है, अब इस ड्राफ्ट को रख के हम पैच कट करेंगे। इसी ड्राफ्ट को रख के मैं इसमें जो ये हमारा ब्लाउज है यहाँ पर भी पाइपिंग देनी है, फिनिशिंग देनी है, उसके लिए मैं येलो कलर कट करूँगी। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस ब्लाउज को रख के आप इसके लिए पाइपिंग काट लें, या फिर इस ड्राफ्ट को रख के। इस ड्राफ्ट को रख के काटेंगे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा यूज होगा, अगर इसको काटेंगे तो आप कम कपड़े में निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको इसी कपड़े में निकालूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसको सेट कर दिया है ब्लाउज को। अभी हम इसको हटा देते हैं और जो इसकी चौड़ाई लेंगे वो हम 1.5 इंच के आसपास लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और 1 इंच हम कैनवास कट करेंगे। 1 इंच की जो चौड़ाई रहेगी कैनवास की। इसी ड्राफ्ट रकम में कैनवास कट कर लूंगी, उसकी चौड़ाई लूंगी 1 इंच। देखिए जो मैं पैच डालने वाली हूँ, मैंने वो कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो देखिए ये नीचे की साइड में आएगा, तो जो पैच हमारा रहेगा पूरा नीचे से ही अटैच होगा। तो इस ड्राफ्ट से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, तैयार होने के बाद आप इसकी शेप दे दें। तो पहले मैं इसको यहाँ पर सेम ड्राफ्ट पर इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये तो अटैच करने के लिए यूज होगा, यहाँ पर जो हम मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, तो इस ड्रॉ पे तो हमारा तैयार रहेगा। और इसके बाद 1 इंच के आसपास ले लें जो कि हमारा अंदर की साइड में मार्जिन रहेगा सिलाई के लिए। 1 इंच या 1/2 इंच आप ले सकते हैं। तो इसको इस शेप में भी कट कर सकते हैं, आप स्ट्रेट में भी कट कर सकते हैं, बाद में भी तैयार होने के बाद भी इसकी शेप दे सकते हैं। तो जो हमारा ये तैयार में रहेगा। अब यहाँ यहाँ पे पैच की सेम गुलाई यहाँ पे देते हैं। तो जो पैच आप कितना चौड़ा डालना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इसको 1/4 इंच के आसपास ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जब सिलाई करूँगी तो उसमें भी चला जाएगा ये। तो इसकी सेप भी जो हमारी इसी तरह से आनी चाहिए। तो जो आपको कट करना है इस पॉइंट से लेके इस पार्ट को कट करना है, और यहाँ से लेके इस पार्ट को, जो ये पैच रहेगा इसको कट नहीं करना है। जो ये हमारा ड्राफ्ट अभी तैयार हो गया है, इस ड्राफ्ट को रख के मैं जो येलो कलर की इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ जो कि यहाँ पे रहेगी आउटलाइन, उसको भी सेम ड्राफ्ट रख के कट कर लूंगी। और सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास जो इसकी चौड़ाई ली है मैंने, उससे कैनवास की चौड़ाई हम कम लेंगे। तो देखिए ये पूरा 1/4-2 इंच आ रहा है, तो उसको आप 1.5 इंच या 1.25 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं कैनवास की।
देखिए ये मैंने येलो कलर भी इसी ड्राफ्ट को रख के इस तरह से सेट कर लिया है। तो इसकी मैं पाइपिंग डालूँ, अगर आप पाइपिंग नहीं डाल रहे हैं तो सेम लेना है उतना ही है, तो आपको बाहर की तरफ पाइपिंग नहीं देनी है, नॉर्मल स्टिच डालना है। मैं पाइपिंग दूँ तो इसको थोड़ा बाहर की साइड में रखूंगी। तो सेम ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए इस सब का मैंने कैनवास सभी कट कर लिया है। तो अभी आपको यहाँ पर स्टिचिंग का तरीका बताती हूँ। तो जो ये ब्लाउज के हैं जो कि हम यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा, जो कि हम यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देंगे इस तरह से। तो क्या करना है आपको, जो हमने ये कैनवास कट किया है उसको इस तरह से रख लें कैनवास को, और यहाँ पे इस तरह से हाफ इंच स्टिचिंग डालते हुए इसको सेट कर लें दोनों पीसों को। दोनों पीस सेट हो जाए फिर आप इसको ब्लाउज के ऊपर रख के स्टिच कर लें। जैसे कि ये ब्लाउज के ऊपर रख लिया मैंने, सेम स्टिचिंग करके इसको पलट देंगे तो इसकी हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। उसके बाद जो हमने ये ब्लू कलर लिया है इसका हम पैच डालने वाले हैं, तो मेथड सेम है। इसको भी पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेके तीनों पीसों को एक साथ स्टिच कर लेंगे और फिर पलट देंगे। तो ब्लू पीस हमको बाहर चाहिए तो ब्लू को येलो की हम पाइपिंग दे देंगे, तो ये पीस हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा जो पीस तैयार हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा। हम जब पीस तैयार करेंगे तो ये पैच कुछ इस तरह से देखो। तो मैं यहाँ पे एक और डिजाइन देने वाली हूँ, अभी उसकी कटिंग बताती हूँ। अभी जो हमने नेक कट किए थे उसका ये कैनवास जो निकला है, अभी इसमें मैं आपको बताती हूँ किस तरह से डिजाइन दे सकते हैं। देखिए कैनवास को मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और अभी यहाँ से हम ऊपर से 3 इंच लेते हैं, 3 इंच से लेके यहाँ ऊपर तक हम इसको इस तरह से डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो जो 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ से हम इस तरह से क्रॉस में निशान ले जाते हैं इसको। अब यहाँ से हमको जितना चौड़ा चाहिए उतना ले लेते हैं। मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में भी जाएगा, तो 2 2 इंच पे इसमें निशान लगा लेने हैं। तो देखिए ये इस तरह से ड्राफ्ट रखा है, तो इसका जो ऊपर का पीस रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। तो देखिए ये जो हमारा बचा हुआ है जो ड्राफ्ट का, इसको आप इस तरह से सेट कर लें। तो देखिए ये हमारा पूरा बराबर से बैठ रहा है। अभी इसमें हम यहाँ पर भी ऊपर भी पाइपिंग रहेगी और नीचे भी पाइपिंग रहेगी। तो क्या करेंगे, सेम पीस हमारा जो येलो कलर है ये भी बचे हुए टुकड़े हैं, तो इनको यहाँ पर आप एक तरह से सेट कर लें। देखिए इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको स्टिच करके इस कलर की यहाँ पर पाइपिंग दे देंगे, फिर हमको नीचे भी इसमें पाइपिंग देनी है क्योंकि नीचे भी पाइपिंग है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये रेड कलर सेम काटना है और येलो कलर छोटा रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर दोबारा से इसको यहाँ पर भी पाइपिंग देंगे। तो उसके लिए हम इसमें से क्रॉस कटिंग पट्टी कट कर लेंगे जो कि पाइपिंग के लिए यूज होगी। देखिए ऊपर का मैंने सेम शेप में कट कर दिया है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से लेके पहले इसको स्टिच कर लेंगे और येलो कलर की रेड में पाइपिंग दे देंगे। उसके बाद हम सेम शेप में इसको नीचे भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमारी पाइपिंग नीचे भी आएगी। पैच हमारा तैयार हो गया। अभी हमको जो येलो पाइपिंग चाहिए इसमें से आप इसके क्रॉस कटिंग पट्टी कट कर लेते हैं। तो इस तरह का आपके पास पीस है तो आप इसको ऐसे फोल्ड करें और इसकी चौड़ाई 1 इंच या 1.25 इंच ले सकते हैं क्योंकि वो अंदर ही फोल्ड हो जाएगी। तो देखिए ये पट्टी जो कट कर ली है इनको मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी साइज के अनुसार। तो देखिए अभी यहाँ पर जैसे ये मैंने सेम तीनों पीस से जैसे काट लिए कैनवास और येलो वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करते हैं। अभी जो ये सेंटर पार्ट है यहाँ पे कट दूंगी। अभी इनको रेड पैच चाहिए, वो चीज आप ध्यान रखें आपको कौन सा कलर पैच चाहिए, तो वो पैच हमारा ऊपर होना चाहिए और जो नहीं चाहिए वो पाइपिंग देना वो अंदर होना चाहिए। देखिए इस तरह से हर चीज में मैं पाइपिंग दे दूंगी। ऊपर हमारी पाइपिंग आ चुकी है, मुझे नीचे भी पाइपिंग देनी है। तो उसके लिए जैसे मैंने क्रॉस में पट्टी कट की थी अभी हम इसको स्टिच करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से हम स्टिच करना शुरू कर देंगे नीचे से।
यहाँ पे हम हल्की सी इसमें पाइपिंग लेते हैं। तो देखिए हमारा पैच तैयार हो गया, हमारे ऊपर भी पाइपिंग आएगी, नीचे भी पाइपिंग आएगी, यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आप तुरपाई करते हैं इसको, तो ये पीस हमारा सेट हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो भी जरूरत नहीं, क्योंकि पैच के ऊपर अटैच जाएगा तो ये अंदर सेट हो जाएगा। अभी हमने जैसे ये पैच तैयार किया इसी तरह हमें ये सारे पीस तैयार कर लेते हैं। नीचे मैंने येलो कलर कपड़ा रखा है, ऊपर से कैनवास, और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए पूरा सेट कर लूँगी। ये नेक पट्टी है, देखिए मैंने स्टिच कर दिया और यहाँ पे हल्का सा कट दे दूँ, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें येलो कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आएगी। देखिए ये मैंने पाइपिंग देके पूरा पीस तैयार कर लिया है, इसी तरह मैं ये राइट साइड का पीस भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए ये दोनों पीस हमारे तैयार हो चुके हैं। जो हम ये पैच डालने वाले हैं उसका तरीका बताते हैं, इनको साइड में रखते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर ब्लू लिया है और बीच में फिर येलो लिया, नीचे मैंने कैनवास लिया। तो इस तरह से आप पहले तीनों पीसों को एक साथ सेट कर लें और फिर इसको यहाँ पे एक ही लाइन में पूरा इसको स्टिचिंग डाल दें। तो देखिए मैंने स्टिच डाल दी। अभी क्या है, जो ये पॉइंट है यहाँ पे कट दे दें और बीच बीच में भी कट दे दें। तो देखिए अभी हम इसको पलट देते हैं। तो जो कलर आप पैच डालने वाले उस पीस को आप ऊपर रखें। तो देखिए मैं इसको ब्लू कलर पैच डालने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं इसको खोल के ब्लू कलर बाहर की साइड लूँगी ऐसे, और येलो कलर की यहाँ पे हल्की सी पाइपिंग दे देंगे। ये सारे पीसे मैंने तैयार कर लिए। ये सेंटर पार्ट आएगा जो कि हमारा पैच लगेगा, और ये भी पैच लगेगा, और ये हमारे दोनों साइड के ब्लाउज पीस भी तैयार है। अभी आपको बताते हैं किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले हम जो पैच डाल रहे हैं वो हमने इस तरह से सेट कर लिया है, और यहाँ पे जो हम ये पैच डालने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, यहाँ पर तुरपाई कर लें और यहाँ पर हम इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो ये जो हमारा डिजाइन आएगा ये बीचों बीच ये पॉइंट आ जाएंगे हमारे इस तरह से। अभी हमारे जो साइड के पीस हैं इनको हम यहाँ से सेट करेंगे। तो क्योंकि पिलू हमारा यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया था, तो 3.5 इंच का यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो इस तरह से इस पीस को भी हम इस तरह से सेट कर देते हैं। और सेम दूसरी साइड का पीस इसी तरह से, या तो आप इसको पहले कच्चा टका करके कर लें, या फिर आप उसको पहले पिन से सेट कर लें। तो मैं आपको पिन से सेट करके बता रही हूँ। तो मैं ये ऊपर से ही सेट कर रही हूँ। देखिए पिन से मैंने ये सेट कर लिया है। तो सेम आप पहले यहाँ से लेके इधर तक स्टिचिंग डाल दें, और सेम दूसरे हिस्से में, तो आपका ये पैच सेट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल जो हम प्लेट डालते हैं 5 इंच लंबी, वो प्लेट डाल दें दोनों साइडों में। और उसके बाद ये मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है जो कि मैं नीचे इसकी फिनिशिंग दूँगी। तो उसको क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको स्टिच करके अंदर की तरफ पलट के तो पाइपिंग येलो कलर की दे देंगे, बाद में अंदर हम तुरपाई कर देंगे। उसके बाद मैंने ये लेस लिया, तो इस लेस को मैं जो हमारी शेप है नेक की सेम शेप में इस तरह से थोड़ा सा रेड छोड़ते हुए, रेड भी पाइपिंग आ जाएगी हमारा, येलो भी, डबल पाइपिंग देने के बाद इस तरह से लेस को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए मैंने ये लेस दोनों साइडों में लगा दी है, तो कितना सुंदर लुक आ रहा है। अभी हम नीचे की फिनिशिंग देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कपड़ा लिया मैंने, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम स्टिचिंग डाल देंगे। कर दिया, और इस तरह से पाइपिंग देके पूरा स्टिच कर देते हैं।
देखिए ये मैंने नीचे भी पाइपिंग देखा कितना सुंदर लुक आ रहा है। यहाँ पर मैंने स्टिचिंग नहीं डाला, यहाँ पर ब्लू धागे से स्टिचिंग डालेंगे तो ये दिखेगा नहीं। और देखिए इस साइड में आप यहाँ पर तुरपाई कर देंगे तो बहुत सुंदर लुक आएगा। तो अभी मैंने ये दो बटन लिए हैं, रेडीमेड बटन है, जो कि मैं एक नीचे लगाऊंगी इस साइड में और एक हमारा ये बैच में रहेगा इस तरह से। उसके लिए ये मैंने फेब्रिक ग्लू लिया है जिससे मैं ये चिपका दूंगी। बटन भी मैंने फेब्रिक ग्लू से चिपका दिए हैं तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।